नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि परिवहन इंजीनियर कैसे बने, क्या योग्यता होती है, कैसे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मोटी तनख्वाह प्राप्त होती है, कितनी होती है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है आप उसे दबाकर सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। क्या योग्यता होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। परिवहन इंजीनियर को कम से कम सिविल इंजीनियर में ABET मान्यता प्राप्त कार्यक्रम से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जो सभी राज्यों में आवश्यक है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कई आधिकारिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी, कुछ इंटर्नशिप में भाग लेना और पर्याप्त मात्रा में कार्य अनुभव प्राप्त करें। कई परिवहन इंजीनियरिंग मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो उच्च भुगतान प्रबंधन के पदों को प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होती है। कौन कौन सा कोर्स होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप जो है आगे जो है इस तरह के कोर्स करके आगे बढ़ सकें। तो पहला होता है पर्यावरण MBA डिग्री। जी हाँ दोस्तों, MBA डिग्री है, पर्यावरण है। दूसरा है नियामक विज्ञान की डिग्री। तीसरा है पर्यावरण अर्थशास्त्र डिग्री। चौथा है पर्यावरण योजना और डिज़ाइन डिग्री। पांचवा है खाद्य सुरक्षा विनिमय ऑनलाइन डिग्री। तो दोस्तों, ये है कोर्स करने के लिए। आप ये कोर्स कीजिए और इसके बाद आपको आसानी से लग जाएगी नौकरी। कहाँ काम करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग का जॉब जो होता है, ज़्यादातर परिवहन अभियंता अपने कार्य दिवस को अधिकांश कार्यालय में खर्च करते हैं, साथ ही वो ईमेल, टेलीफोन, विभिन्न कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों सहित कार्यालय उपकरणों के विभिन्न टुकड़ों का उपयोग करने में कुशल रहते हैं। हालांकि एक परिवहन इंजीनियर को कभी कभी काम की प्रगति का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करने के लिए निर्माण स्थलों में जाने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वहाँ कैसा काम चल रहा है उसके बारे में उसको संपूर्ण जानकारी हो। तो आपको भी जाना पड़ेगा। साइट पर काम करते समय परिवहन इंजीनियर प्रतिकूल मौसम की स्थिति और शोर मशीनरी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ये इस तरह के काम होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं जिसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, तो उसको आपको जो है पूरी सावधानी से जाना है, ताकि आपको किसी प्रकार की क्षति भी ना हो। यदि परियोजनाओं को निर्देशित या पर्यवेक्षण में शामिल है तो परिवहन इंजीनियर पूर्णकालीन कार्यक्रमों का काम करते हैं। हालांकि कई काम ओवर टाइम है। कौन कौन से संगठन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके व्यावसायिक संगठन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं वो भी बता देता हूँ। पहला है परिवहन इंजीनियरिंग मूल्यवान संसाधनों के लिए इन संगठन और वेबसाइट के माध्यम से ब्राउज कर सकते हैं। दूसरा है परिवहन इंजीनियरों संस्थान ITI, एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर संगठन है जो संवाद, नीति विकास और सूचना के सामान्य आदान प्रदान के लिए परिवहन इंजीनियरों को एक साथ लाते हैं। तीसरा है कई मीटिंग्स और उद्योग विशिष्ट संसाधन के अलावा ITE
एक रोजगार केंद्र भी प्रदान करता है जो संभावित परिवहन इंजीनियर को नौकरी खोजने में मदद करता है। चौथा है आप सिविल इंजीनियरिंग। हालांकि ये पेशेवर संगठन आमतौर पर सिविल इंजीनियरों पर लागू होता है, लेकिन वो परिवहन इंजीनियरों के लिए भी बहुत उपयोगी की जानकारी प्रदान कर सकता है। पांचवा है ASCI, विभिन्न इंजीनियरों से सिविल इंजीनियर के बीच संचार को प्रोत्साहित करता है और दुनिया भर में पेशेवर कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। साथ ही ये शिक्षा और उद्योग विशिष्ट प्रकाशनों तक पहुंचाने के लिए भी एक शानदार संसाधन है। क्या सैलरी होती है वो भी आपको बता देता हूं दोस्तों। परिवहन इंजीनियर की सैलरी शुरुआती में लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच होती है, साथ ही अपनी खुद की काबिलियत के अनुसार और ज़्यादा बढ़ सकती है। परिवहन इंजीनियर की निजी या इंजीनियरिंग फर्म के लिए काम करते हैं, साथ ही राज्य और स्थानीय सरकार के लिए भी काम करते दिखाई देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ परिवहन इंजीनियरिंग क्या होता है। परिवहन इंजीनियरिंग एक इंजीनियर है जो सड़क के किनारे जो है हवाई जहाज होती है, रेलगाड़ियाँ होती है, जहाज, बसों आदि पर सुरक्षित और कुशल यातायात प्रवाह की अनुमति के लिए परिवहन प्रणालियों को डिज़ाइन या फिर सुधारते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि परिवहन इंजीनियर क्या होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्या क्या योग्यता होती है वो भी मैंने आपको बता दी। परिवहन इंजीनियर को कम से कम सिविल इंजीनियर में ABET मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों में स्नातक की डिग्री होना चाहिए, कम से कम है दोस्तों। और सैलरी भी मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है। तो ये जानकारी थी दोस्तों, और इसके अलावा जो है बहुत ही इस लाइन में जो बहुत अच्छा स्कोप है, आप चाहे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि चलो भाई कम से कम इतना आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कमाई है। परिवहन अभियंता जो है वो जो यानी कि जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, ये राज्य मार्ग, हवाई अड्डा, रेलगाड़ियों, पुलों आदि समेत नए परिवहन प्रणाली और आधारभूत संचारों को डिज़ाइन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह डेटा का विश्लेषण करने और समस्याओं की पहचान करना और अभिनव समाधानों के साथ हल करके ऐसा करते हैं। इन जटिल समस्याओं को हल करने के लिए आमतौर पर सिस्टम, यातायात प्रवाह, दुर्घटनाओं, लागतों और अन्य आंकड़ों के संग्रह और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यूटिलिटी कंपनी और सरकारी विभागों सहित कुछ परियोजनाओं पर परिवहन इंजीनियरों को अन्य पार्टियों के साथ सहयोग करने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये है जो है इनके जो जॉब होते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई परिवहन का मतलब जो है, ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि भाई गाड़ी वाड़ी जो है इधर से उधर जाती है तो उसको परिवहन कहते हैं, उसी के कोई इंजीनियर होंगे। नहीं दोस्तों, ये इंजीनियर बहुत ही इम्पोर्टेंट, इनका योगदान होता है। कोई भी सिटी को बसाना है या कहीं से रोड जा रही है तो किस बात का ध्यान रखना है, किसको चोट लगेगी नहीं लगेगी, गाड़ी अगर इधर से जाएगी तो पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे, तो ट्रेन कहाँ से आएगी, संपूर्ण जानकारी जो है उसको अपने दिमाग में रखनी होती है, उसके आधार पर रोड को निकालना होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। तो जो है आप भी इस जॉब में जा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप चाहें तो आसपास के किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आप जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपको इसमें इंजीनियरिंग जो मैंने आपको बताया है कि वो आपको करना ज़रूरी है, वो पहले आप कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आपको आसानी से नौकरी मिलेगी। बहुत पैसा है दोस्तों, नौकरी करेंगे तो आपको मैंने बता दिया कि कितना पैसा लगेगा, 70 से 80 हज़ार रुपये आपको पैसे कमाइए महीने में।
लेकिन अगर आप खुद का निजी या पर्सनल कुछ करते हैं तो बहुत कमाई है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।